नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत खुश और स्वस्थ हैं। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री बोले तो वो पुरानी गठित की हुई चीज या कोई इवेंट जो हम आज में सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, जो बीत चुका है वो हिस्ट्री है, जिसे हम पास्ट भी बोलते हैं, राइट? मजे की बात यह है, जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो हम 1 वीक दूर, हम 1 महीना दूर, हम 1 साल दूर, 5 साल दूर या 10 साल दूर की बात करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्यों हमारे माइंड की नरिशमेंट ऐसी है कि पास्ट सुनते ही क्लिक होता है कुछ तो दूर का। एक्चुअल में दोस्तों, पास्ट आपका लास्ट एक सेकंड है। हमें हिस्ट्री पढ़ने में बहुत बोरिंग लगती थी ना, SST सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगता था मुझे, क्योंकि बोरिंग होता था, नींद आ जाती थी। हिस्ट्री पढ़ते ही तो मतलब जिसको नींद नहीं आती हो ना, उसको हिस्ट्री पढ़ा दो, नींद आ जाएगी। तो क्यों हम अपनी लाइफ में अपने लाइफ इवेंट्स को और अपनी उस बैड मेमोरीज को बार बार बोल के डिस्कस करके याद करते हैं पास्ट की बातों को? क्यों याद करते हैं हम, वो बोरिंग क्यों नहीं लगती हमें, जबकि पास्ट है लास्ट बीता हुआ एक सेकंड। अभी अभी जो मैंने एक सेकंड बोला ना, वो पास्ट हो गया। अब मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं, प्रेजेंट कहां है? अभी है। पास्ट कहां है? एक सेकंड पहले गया। और हम जब भी पास्ट की बात करते हैं, 1 साल दूर चले जाते हैं। लास्ट एक सेकंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो है पास्ट। तो सोचो दोस्तों, हम पास्ट को पकड़ के बैठे रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, और टाइम आगे जा रहा है। मेरे बोलते बोलते अभी 1 मिनट आगे चले गए हम, अभी नेक्स्ट लाइन जब बोलूंगा तो वो फ्यूचर में होगी। प्रेजेंट बोलते बोलते फ्यूचर में चेंज हो जाता है। टाइम इतनी तेज भाग रहा है और हम टाइम के साथ भागने की जगह बहुत चीजें पकड़ के बैठे हुए हैं। मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा हूं क्योंकि मेरे माइंड में ये वाली मेमोरी जा ही नहीं रही है। मैं डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहा हूं क्योंकि मैं ये भूल ही नहीं पा रहा हूं। मेरे को एंग्जाइटी है क्योंकि मेरे साथ ये बुरा हुआ। अरे कब हुआ, अभी हुआ क्या? नहीं, वो पास्ट में हो गया। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं दोस्तों कि ना मेरे साथ ना ऐसे इवेंट हुए थे, मेरे साथ ना ये प्रॉब्लम आई थी। तो मुझे ना कई बार तो ना सुन के लगता है, अरे यार इतनी सी प्रॉब्लम। आप जाओ 100 लोगों से पूछो, क्या आपको चैलेंजेस है, क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या आपके पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा हुआ है। 100 में से 100 जवाब देंगे हाँ, एक का भी ना आंसर नहीं आएगा। सब लोगों के साथ होता है ये, लेकिन हम क्यों अपने पास्ट को पकड़ के बैठे रहते हैं? आज हम बहुत बार देखते हैं, यार ही इज वेरी गुड, यार बहुत सक्सेसफुल है, बहुत खुश रहता है, यार वो जो पास्ट से निकलता है ना, तो ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आती है। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपने लास्ट एक सेकंड को पास्ट माना और आगे बढ़ा। उठिए और आगे बढ़िए। प्रेजेंट में उठेंगे ना, उठते उठते फ्यूचर हो जाएगा, और हम पास्ट को पकड़ के बैठे रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे।